आज की हमारी शानदार रेसिपी है मैगी ऑमलेट की। इसे बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई के अंदर लगभग एक ग्लास पानी डालना है और उसे बॉईल कर लेना है। पानी को बॉईल करते समय आप इसमें एक पैकेट मैगी भी डाल दीजिए और एक पैकेट मैगी का मैजिक मसाला भी। फिर इसे आप अच्छे से मिक्स करिए और इसे पकने तक इंतज़ार करिए। पकने के बाद आपकी मैगी कुछ इसी तरीके से दिखेगी। अब आप गैस को करिए बंद और इस मैगी को कर दीजिए एक साइड में। मैगी तो हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम ऑमलेट तैयार कर लेते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए हमें अंडे को क्रैक करना पड़ेगा और हम क्रैक करेंगे हमारे आज के गैजेट के साथ, जो है एक एग क्रैकर मशीन। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप अगर एग वाइट खाना चाहते हैं, तो बस आपको इस मशीन के नीचे ये स्टैंड को फिक्स करना है और बिना मेहनत के फिर आपको मिलेगा एग वाइट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसे हमें यूज कैसे करना है। पहले तो आप एक एग ले लीजिए, फिर दो ये सर्कल देख रहे हैं ना आप, उसके बीच में एग को फिक्स कर दीजिए। ये देख रहे हैं आप, बस इसी तरीके से। उसके बाद जो ये मशीन का हैंडल हमने पकड़ रखा है ना, उसको आपको दबाना है बस। एग का शेल अलग हो जाएगा, योक अलग हो जाएगा और इसका एग वाइट भी अलग हो जाएगा। है ना ये कमाल की मशीन। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं इसे मेरे ही शॉप से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। एग्स को क्रैक करने के बाद आप इसमें डालिए बारीक कटा हुआ प्याज और कद्दूकस करी हुई गाजर। उसके साथ साथ आप इसमें डालिए बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन और ये है बारीक कटी हुई ग्रीन चिली। फिर डालिए आप इसके अंदर थोड़ी सी धनिया की पत्तियां भी। मसाले तो आपको बहुत ही कम डालने हैं, जिसके अंदर आप डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और नमक। इसके अलावा आपको एक चीज डालनी है, वो है ये मैगी के अंदर का टेस्ट मेकर, वो भी एक ऑमलेट के लिए आधा पैकेट। अब इन सब को आप एक विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद आपके ऑमलेट का मिक्सचर कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम ऑमलेट बना लेते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए आपको एक तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है और फिर एक ब्रश की मदद से उसे अच्छे से फैला लेना है। फिर जब तवे का ऑयल गर्म हो जाए, तब हमारा जो मिक्सचर है ना ऑमलेट का, बस आपको उसे तवे के ऊपर डालना है। आपको बस यही ध्यान देना है, गैस का फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम पे होना चाहिए। इस मिक्सचर को आपको पूरी तरीके से तवे के ऊपर फैला देना है, ताकि हमारा जो ऑमलेट बने वो कहीं से मोटा ना कहीं से पतला हो। एक बार जब आपका ऑमलेट 50% कुक हो जाएगा ना, तब आपको इसके अंदर स्टफ करनी है मैगी जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। लेकिन ज्यादा ओवरलोड भी नहीं करना आपको, नहीं तो आपका ऑमलेट फट जाएगा और आपकी मेहनत भी खराब हो जाएगी। ये देखिए, तवे पे हमारा ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं चिपका है और नीचे से पक भी गया है। अब आप क्या करिए, इसको आपको फोल्ड करना है। थोड़ा ध्यान से करिएगा, नहीं तो आपका ऑमलेट टूट सकता है। अब हमें हमारे ऑमलेट को पलटना है। पलटने के लिए आप स्पैचुला को हल्का सा ऑमलेट के नीचे फंसाइए और बड़े प्यार से पलट दीजिए। अगर आपके पास टेक्निक है तो बहुत आराम से हो जाएगा ये। ये लीजिए, हमारी दूसरी साइड भी ऑमलेट की एकदम रेडी है और खाने के लिए ऑमलेट भी रेडी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है हमारी ये और ये बनती भी बहुत ही जल्दी है। और तो और, इसे बनाने में ज्यादा माथा फोड़ी भी नहीं है और है एकदम हेल्दी भी।